वेलकम बैक टू वजह गाइस, मैं हूं मिस्टर दीपेंद्र सोनी एंड टैग गुजरात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि भी आप देख पा रहे हो, हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हो ये हमारे हाथ में है, ओके। और दोस्तों, आज पूरी की पूरी कैमरा टेस्टिंग इसकी करके मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और मौसम काफ़ी सुहाना सुहाना सा है और सन डाउन होने की तैयारी है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से आप लोगों को यही फ़ोन की कैमरा की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको इसके बैक कैमरा की स्पेसिफिकेशन बताने जा रहा हूँ। बैक कैमरा के अंदर दोस्तों हमको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें से आप ये ऊपर वाला जो फर्स्ट कैमरा है, ये वाला, ये यहाँ पे हमको 50 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 50 मेगापिक्सल का कैमरा हमको यहाँ पे ऊपर वाला देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड दोस्तों हमको ये यहाँ पे बोके कैमरा लेंस देखने को मिल जाता है, जो हमको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे छोटा सा देख रहे हो आप, ये यहाँ पे सबका प्यारा मैक्रो लेंस है, और ये भी 2 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे हमको 5G का एक सिंबल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे लिखा होता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। और कैमरा बम्प की अगर बात करें तो यहाँ पे हल्का सा कैमरा बम्प है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर प्लेट के अंदर उसको रखा गया है। और बैक की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार बैक मुझे यहाँ पे देखने को मिली। और ये ग्लास तो नहीं है, लेकिन यहाँ के ऊपर हमको आपको कभी भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलने वाले, ओके। यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो काफ़ी एक अच्छी सी बात है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा हमको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ओके। नीचे की साइड दोस्तों यहाँ पे माइक्रो टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm जैक, और यहाँ पे स्पीकर भी है अच्छे से। ऊपर की ओर यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, सिम ट्रे, और वो भी ड्यूअल 5G, ओके दोस्तों। दोनों सिम कार्ड 5G यहाँ पे इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, जो मुझे काफ़ी अच्छी से एक बात लगी, ओके। लेकिन दोस्तों हमारी ये जो वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा टेस्टिंग की वीडियो है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा कुछ मोबाइल के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, सीधा चलते हमको इसकी कैमरा टेस्टिंग के ऊपर, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमको इसके अंदर पिक्चर इन पिक्चर एंड ड्यूअल पिक्चर दोनों मोड हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो नीचे की साइड अभी, यानी कि राइट साइड अभी फ्रंट कैमरा ऑन है, और लेफ्ट साइड अभी बैक साइड का कैमरा ऑन है, ओके। अभी एक बार देख के, ओके। तो दोस्तों हम यहाँ पे व्हेन द वीडियो शूट, हम यहाँ पे बैक साइड के कैमरा के अंदर जूम भी कर सकते हो, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे एक पंछी बैठा था, यस ये रहा, ओके, ये ठीक मेरी टेरेस पे बैठा हुआ कबू। ओ क्या बात है भाई, अभी ही मौज लेनी थी आपको, अंगड़ाइया लेते हुए कबू, यस काफ़ी मज़ेदार है, मौसम काफ़ी सुहाना है दोस्तों यहाँ पे। और ये वाला मोड भी काफ़ी अच्छा सा लगा मेरे को, पिक्चर इन पिक्चर एंड ड्यूअल पिक्चर दोनों बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसका कैमरा ओपन करते हैं, हेलो कैसे हो आप लोग, तो यहाँ पे जब भी हम इसका कैमरा ऑन करते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सब 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो सबसे फर्स्ट ऑन हो जाता है यहाँ पे वीडियो के मोड के अंदर चले जाने के बाद। अगर हम इसको कैमरा टर्न करते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसकी क्वालिटी की अगर हम टेस्टिंग करें, तो यहाँ पे जूम की अगर बात करें, तो सबसे फर्स्ट 1 टैप जूमिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हुआ 2x जूम, और उसके बाद अगर हमको ज़्यादा करना है तो यहाँ पे 10x तक का हम जूम कर पाएंगे, ओके। और यहाँ पे अगर एक्सपोजर जो है वो अगर हम सेट करें यहाँ पे, चलो दोस्तों तो देखते हैं सूरज को और थोड़ा डाउन करके चेक करते हैं कि कैसा, वाव गाइस वाव, फोटो क्लिक करते हैं, यस फोटो क्लिक किया यहाँ पे, देखते हैं अभी, ओके। तो आप देख सकते हो फोटो काफ़ी क्लियर एंड कट है, इतना भी क्लियर नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने 10x का जूमिंग किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर 2x के ऊपर फोटो को क्लिक करते हैं, एक्सपोजर को फोकस के अंदर रखने के बाद अगर हम इसको क्लिक करते हैं, यस यूजफुल पिक्चर यहाँ पे मैं, चलो तो दोस्तों अगर दूसरी एक थोड़ी बहुत सी फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे, ओके। तो माउंटेन्स भी काफ़ी है मेरे यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे पिक्चर क्लिक करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा ऊपर की ओर, यहाँ पे सनसेट लिखा हुआ आ गया था, यानी कि AI जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क भी कर रहा है। क्लिक किए थे, ओके 2x देखते हैं, यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स लिखा हुआ आ गया ऊपर की साइड, यानी कि इसको पता चल जाएगा भाई ये अभी सोसाइटी के अंदर हो, यहाँ पे बिल्डिंग। लेकिन दोस्तों एक्चुअली फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो AI का प्रोसेस होता है, पिक्चर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल देख सकते हो, यहाँ पे इतना कलरफुल कुछ है नहीं, लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर का जो एरिया है
कलर टोन जो इसने मैच करके रो जो एक्चुअल, अब मैं आपको मेरे कैमरे के अंदर दिखा दो, एक्चुअली वही कैमरा कलर टोन इसने यहाँ पे दिखाया। ओके तो ये दोस्तों बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे, इतने प्राइस पॉइंट के ऊपर इतनी अच्छी क्वालिटी। ओके क्वालिटी की बात चल रही है तो यहाँ पे मोर के अंदर चले जाने के बाद एक बार आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट दोस्तों हमको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट, देन फोटो, फोटो के अंदर 1x 2x एंड मैक्सिमम यहाँ पे हमको 10x तक का जूम देखने को मिल जाता है। ओके यस, देन वीडियोज़ देखने को मिल जाता है, वीडियो के अंदर भी 1x 2x देन फुल यहाँ पे हम 10x तक का जूम कर पाएंगे। ओके देन यहाँ पे हमको मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोर पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, पैनो देखने को मिल जाता है, लाइव स्लो मो, टाइम लैप प्रो, एयर स्टिकर एंड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे स्लो मो भी तुरंत टेस्ट ही कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पंची वंची। ओके उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यस दोस्तों थोड़ा सा मौसम की भी मज़े ले लेते हैं यहाँ पे। यस काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, पीसफुल प्लेस है यहाँ पे। ओके बाय बाय, आज का डे ख़त्म होने आ रहा है। ओके काफ़ी अच्छा लगा लेकिन दोस्तों आप लोगों से भी मिलना। ओके चलो तो यहाँ पे अभी एक स्लोमो का टेस्ट करते हैं स्टार्ट, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी स्टॉप कर दिया हमने। ओके एक बार देखते हैं कैसी क्वालिटी यहाँ पे देख रहे हो, मैंने तो लात मार के उसको हटाया था क्योंकि दोनों हाथ के अंदर दोस्तों मेरे फ़ोन है। ओके तो यहाँ पे टिंग टिंग के लास्ट जो हुआ था वही हमको देखने को मिल गया। यस 1 2 स्लोमो दोस्तों एक्चुअली काफ़ी अच्छा सा इसने शूट किया है। ओके मुझे ये चीज़ इसका स्लोमो काफ़ी अच्छा लगा, और हम जब स्लोमो ले रहे थे तब तब सूरत दादू यहाँ तक चले गए हैं यहाँ पे, बात नहीं कल वापस आएंगे। ओके तो स्लोमो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे सूरत दादू को जाने से पहले हम यहाँ पे एक बार हमारा जो 50 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा सेंसर उसका भी थोड़ा टेस्टिंग कर लेते। तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का टेस्टिंग करते हुए दोस्तों मैं करता हूँ कहाँ की फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो टावर की फ़ोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम किया उसके ऊपर फोकस, फोटो कैप्चर, देन अभी यहाँ पे सिंगल टैप के ऊपर इतना जूमिंग है। ओके गाइस सीरियसली दोस्तों 50 मेगापिक्सल का कैमरा, सीरियसली ये 50 मेगापिक्सल का ही है, तो देख सकते हो टावर कितना दूर है और यहाँ पे इसने अभी हमको कैसा दिखाया। ओके देख लो वहाँ पे है टावर और यहाँ पे हमको इतना अच्छे से दिखा, दो डोले भी दिख रहे हैं, बजाएंगे गणपति के टाइम पे इसको हम। ओके सो गाइस ये थी पूरी की पूरी कहानी यही बल्कि कैमरा टेस्टिंग की। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो डू सब्सक्राइब, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहता हूँ। और हाँ वीडियो स्पॉन्सर बाय जास्मिन मोबाइल शॉप बोडेली, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।